Assalamu alaikum, dear students. We have already covered the first section of unit number 6, and the first section of unit number 6 deals with the section of or the question of predicting the meaning using context clues. ठीक है, तो उसकी डिटेल में हमने एक्सरसाइजेज जो हैं वो देखी. जो नेक्स्ट आपका सेक्शन है वो है प्रिडिक्शन एक्सरसाइजेज हैं, और यू विल हैव टू प्रिडिक्ट द कंटेंट्स ऑफ द बुक. ठीक है, रीडिंग जो है बेसिकली एक इंतहाई कम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी ज़रूरी होती है. पैसिव अगर आप रहेंगे तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसके अंदर डिवेलप नहीं होती. तो वेरियस स्ट्रेटजीज जो हैं उनको यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को क्विकली और इफ़ेक्टिवली अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स होती हैं. एक टेक्निक आपने ऑलरेडी पढ़ी जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट क्लूज का यूज़ किया मीनिंग्स को गेस करने के लिए. नाउ द सेकेंड टेक्निक इज मेकिंग प्रिडिक्शंस. जब कभी भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, जब कभी भी हम किसी टेक्स्ट में से गो थ्रू करते हैं, तो हम हमेशा हमारे जहन में प्रिडिक्शंस चल रही होती हैं. जब भी किसी किताब का टाइटल आता है, जब भी किसी कहानी का टाइटल आता है, तो ऑटोमेटिकली माइंड हमारा मूव करना शुरू कर देता है टू थिंक अबाउट के व्हाट दिस स्टोरी इज़ गोइंग टू बी अबाउट. ठीक है, या ये बात जिसका मौजू है तो अब इसके अंदर क्या गुफ्तगू होगी. हमारा जहन ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो हम अपना बैकग्राउंड नॉलेज यूज़ करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, और हम उसके थीम को और उसके सब्जेक्ट को हम जो है वो गेस करने की कोशिश करते हैं. और जो अच्छे रीडर्स होते हैं, जब कभी भी वो किसी टेक्स्ट की रीडिंग कर रहे होते हैं, तो दे आर कॉन्स्टेंटली प्रिडिक्टिंग दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, के अब आगे जो है वो क्या होने जा रहा है. ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर 8 है. यू आर गोइंग टू डू सम प्री रीडिंग एक्टिविटीज विच आर एक्चुअली प्रिडिक्शन एक्सरसाइजेज दैट विल अलाउ यू टू मेक इंटेलिजेंट गेसेस अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू रीड एंड विल गिव यू सर्टन लेवल ऑफ रेडीनेस बिफोर यू एक्चुअली बिगिन टू रीड. टू बिगिन विद हियर इज अ पिक्चर, लुक एट इट एंड गेस, प्रिडिक्ट द बैकग्राउंड ऑफ दिस पिक्चर, व्हाट इज द पिक्चर ट्राइंग टू कन्वे. पिक्चर एक अंदर आपको दिखाई जाएगी, उसको जरा गौर से देखें और उसके बाद प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि इस पिक्चर का क्या बैकग्राउंड है और ये पिक्चर हमें क्या मीनिंग कन्वे कर रही है. ठीक है, नाउ लेट अस मूव एंड हैव अ लुक एट द पिक्चर. सो हियर इज अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन सी दैट दिस इज वाघा बॉर्डर लाहौर. ऑन द अदर साइड देर इज द इंडियन साइड, एंड ऑन द इंडियन साइड देर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग, एंड वी कैन सी इट फ्रॉम दिस अवर साइड पाकिस्तानी. दिस इज द सेकेंड पिक्चर एंड वी कैन सी अ पाकिस्तानी हु इज वेयरिंग अ शर्ट ऑफ Pakistan and is obviously holding a flag. So we can imagine that this text describes the Wagha border, which is located between India and Pakistan near Lahore, and it predicts or it is about the flag downing ceremony, के जो के परचम जो है वो उतारने की तकरीब होती है वाघा बॉर्डर पे हर रोज. उस तकरीब की इसके अंदर यकीनन डिस्क्रिप्शन होगी. पिक्चर देखकर हमें ये अंदाजा होता है. नाउ लेट अस रीड द टेक्स्ट. नो वन सीम दैट एक्साइटेड अबाउट द वाघा बॉर्डर व्हेन आई मेंशनड इट. फ्यू एक्चुअली न्यू व्हाट इट वाज फॉर मी. आई न्यू लिटिल ऑफ द हिस्ट्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड आई हैव हर्ड अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेक्टिकल्स दैट हैपेंस डेली बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्रीज एट वाघा बॉर्डर. आई टुक इट taxi that cost me 700 to take me the Wagha border. I arrived at the border about 30 minutes before the daily ceremony was about to begin. Here is where each evening both Pakistanis and the Indians gear up with full military might for lowering their flags. I looked at long green and white border gate ahead. The place looked like a stadium. Almost immediately a selection of speakers boomed on some Pakistani music and the small crowd cheered. Already I could feel this was something very special in the world. I have crossed many borders and this was for sure the most unique.
आई कुड सी क्लियरली द स्मॉल गैदरिंग एट द पाकिस्तानी साइड ऑफ द बॉर्डर एंड द बस लोड्स ऑफ इंडियंस गेटिंग ऑफ ऑन द अदर साइड ऑफ द डबल गेट. अ मैन ड्रेस इन पाकिस्तानी फ्लैग टी शर्ट वॉज वेविंग फ्लैग एंड केम रनिंग. ही बिगेन टू शाउट इनकरेजिंग द क्राउड. दे रिस्पॉन्डेड विद पैशन चीयर्स ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अल्लाह हू अकबर. रोज अप विद फ्रेंडली फेस्ड एंड स्माइल्स डायरेक्टेड एट देर इंडियन काउंटर पार्ट्स. Officers in full dress uniform came marching down. Soldiers kicked their legs in the air, encouraged by the shouts from the crowd. Chants and cheers rose up as people ran towards the border gates, waving the Pakistani flag. On the other side, the Indians cheered their soldiers. The flag ceremony commenced when we watched on as flag bearers lowered the two flags at the same time before exchanging the most brief of the handshakes and salutes, and the gates were slammed shut. Passage continue kar raha hai. This was pure theater between the once and sometimes still warring nations, and it was fantastic. The noise, the pompous overacting, the passion from the crowd all made it quite disbelieving. Both sides trying to outdo each other. I might be a little biased, but it did seem that Pakistani soldiers kicked their legs higher into the air. It was an atmosphere of carnival. People danced on Bhangra music, and from the Indian side, people got up and danced in the galleries. It was delightful. Okay, so now we have read a text. Ab humne ek text पढ़ लिया वाघा बॉर्डर के हवाले से. ठीक है, अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर वन इज, अब हमने चीज़ों को प्रिडिक्ट करना है. टेक्स्ट हमने हमने पढ़ लिया ना, तो व्हाट डू यू थिंक, सॉरी, हु डू यू थिंक हैज रिटन दिस पीस एंड इज द राइटर अ पाकिस्तानी एंड इंडियन और अ फॉरनर. तो जो इसका आंसर है जो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है वो ये है कि जो इसका राइटर है वो कोई फॉरनर है, ताल्लुक उसका जो है वो पाकिस्तान से नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बताता है कि मैंने दुनिया में बहुत से बॉर्डर्स देखे हैं. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है दैट ही इज़ अ फॉरेन नेशनल. ठीक है, अच्छा, उसके बाद व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन राइटिंग, कि जब वो ये लिखता है तो इससे इससे मतलब क्या मुराद है. वो लिखता है आई न्यू अ लिटिल ऑफ हिस्ट्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया and have heard about one of the greatest spectacles that happened daily between the two neighboring countries at Wagha border. तो वो ये कहता है कि मेरा इल्म इंडिया और पाकिस्तान की तारीख के बारे में तो थोड़ा है, लेकिन मुझे पता चला था कि वाघा बॉर्डर जो है उस पर कोई बहुत ही शानदार किस्म की फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी जो है वो होती है. ठीक है, this was a pure theater between the once and sometimes still warring nations. इट वॉज़ फैंटेस्टिक. तो सेकेंड सेंटेंस जो है इसका मतलब ये है कि ये इंतहाई एक जो है वो मतलब कि ड्रामाई किस्म की सिचुएशन थी. तो एक्सरसाइज नंबर 10 है, यू आर गोइंग टू रीड अ शॉर्ट टेक्स्ट, की छोटी सी टेक्स्ट है एक अफगानिस्तान के बारे में, उसको रीड करेंगे. टाइटल है उसका अफगानिस्तान द लैंड ऑफ एंडलेस टीयर्स. कैन यू गैस और प्रिडिक्ट वट द text will be about after reading the title of the text. So zahir afghanistan the land of tears jo hai ye obviously wars in afghanistan ke bare mein ho sakta hai. theek hai, kyunki jange aapko pata hai ki kafi zyada hui hain aur uske natije mein kafi zyada nuksan hua hai wahan pe. second possibility ye hai ki it could be about poverty in pakistan, kyunki poverty jo hai usse bhi log jo hai wo mutasir hote hain. theek hai, ओके जी, पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं. डस्क वॉज फॉलोइंग व्हेन न्यूज ऑफ अटैक ऑन अमेरिका फर्स्ट रीच दिस वॉर रूइंड सिटी काबुल. इन द डस्टी ट्वाइलाइट अफगान्स हेल्ड रेडियोज टू देयर ईयर्स लिसनिंग टू द अकाउंट्स ऑन द वॉइस ऑफ अमेरिका एंड द बीबीसी पश्तो एंड पर्शियन लैंग्वेज सर्विसेज. बिकॉज द कंट्रीज तालिबान रूलर्स फॉरबिड टेलीविजन, अफगान्स कुड सी नो पिक्चर्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन दैट had people everywhere in the world glued to their seats. The immensity of World Trade Center disaster had to be described to them. When an Afghan asked me about the Twin Towers, I compared them to
अफगानिस्तान जाइंट बिमियन बुद्धा स्टैचूज अ सिंबल ऑफ नेशनल हेरिटेज दैट द तालिबान ब्लास्टेड टू डेथ। ओके, अब हमारी प्रिडिक्शन जो थी उसमें वार था, तो वार का तो जिक्र ऑलरेडी आ गया, ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी का जिक्र था, तो वो भी हमें पता है कि जिस तरीके से उन्होंने रेडियोज़ लगाए हुए हैं, मतलब कि टेलीविजन्स हैं नहीं या उनकी इजाज़त नहीं है, तो वो गुरबत भी है। तीसरा जो हमारा गेस था, लॉस ऑफ लाइफ, वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसके नतीजे में फिर 9/11 जो अटैक है, इसके नतीजे में ऑब्वियसली फिर वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये जो अपना पैसेज है ना, इसी तरीके से आपको इसमें पैसेज भी दिया जाता है कंप्रीहेंशन का ना, उसके आंसर्स आपने लिखने होते हैं, तो उसकी भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड द अफगान्स लर्न अबाउट द अटैक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डस्क, डस्क का मतलब होता है शाम, तो इन द इवनिंग, द अफगान्स लर्न्ड अबाउट द अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, WTC मैं इसको शॉर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट टू वर्ड्स दैट शो यू दिस इन द टेक्स्ट, के ऐसे कौन से दो अल्फाज हैं जो कि बताते हैं कि शाम का वक्त था। तो एक वर्ड है डस्क और दूसरा वर्ड आता है ट्वाइलाइट, ठीक है। ट्वाइलाइट जो है वो भी जिस वक्त अंधेरा छा रहा होता है, रोशनी भी होती है और रोशनी अंधेरा भी होता है मिक्सचर, तो ये दो वर्ड्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि शाम के वक्त जो है वो हमला हुआ, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट, बिकॉज दी तालिबान रूलर्स फॉरबिड टेलीविजन। जाहिर है वो फॉरबिड इस वजह से करते हैं क्योंकि इस्लाम में जो है वो तस्वीरें और ये चीज़ें मना होती हैं, तो इस वजह से वो इस्लामिक लॉजिक दे के तो वो अपने टेलीविजन को फॉरबिड करते हैं, मना करते हैं। व्हाट हैपन टू द अफगानी सिंबल ऑफ नेशनल हेरिटेज बिमियन बुद्धास, तो इनके साथ क्या हुआ था, दी अफगान तालिबान ब्लास्टेड द स्टैचूज, की उन्होंने से स्टैचूज को क्या किया था, मतलब कि ब्लास्ट कर दिया, तबाह कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो व्हाई डू वी रीड, के रीडिंग जो है उसके मकासद क्या होते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, तो रीडिंग इज अ प्लेयर एंड जॉय, बुक्स आर ट्रेयर ट्रोव्स ऑफ नॉलेज, देयर आर थ्री मेन रीजंस फॉर व्हिच पीपल रीड एंड दीज आर, के तीन मेन वजूहात होती हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो रीडिंग करते हैं। सबसे पहली वजह है फॉर प्लेयर, के मुसर्रत हासिल करने के लिए, खुशी हासिल करने के लिए, खुशी के लिए और ज़हनी सुकून के लिए हम जो है वो नावल्स पढ़ते हैं, हम पोइट्री पढ़ते हैं, हम शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं, इसके अलावा हम मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि प्लेयर के लिए, खुशी के लिए पढ़ी जाती हैं। फॉर इंफॉर्मेशन दूसरी चीज़ है, कि इंफॉर्मेशन के लिए हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम डिक्शनरीज पढ़ते हैं, साइंटिफिक और पोलिटिकल जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उनको पढ़ा जाता है, फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ा जाता है और रिपोर्ट्स को पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ी जाती हैं। उसके बाद आखिरी जो मकसद होता है वो होता है टू परफॉर्म अ टास्क, कि हमने कोई काम सर अंजाम देना होता है, तो उसके लिए हम किताबें पढ़ते हैं, उसमें यूज़र मैनुअल्स आ जाते हैं जिसमें बताया जाता है, जब कभी भी हम नया टेलीविज़न लेकर आते हैं या हम कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदते हैं, तो उसमें से छोटा सा किताबचा निकलता है, वो यूज़र मैनुअल होता है, वो हमें गाइड करता है कि हमने ये काम, इसको टीवी को कैसे ऑपरेट करना है। इसी तरह डायग्राम्स होती हैं जो कि हमें सिखाती हैं कि किसी चीज़ को किस तरीके से बनाना है, और इसी तरह से मैप्स होते हैं, जैसे घर का मैप है, नक्शा होता है, तो उससे फिर हमें पता चलता है कि हमने अपना घर जो है वो किस अंदाज से कंस्ट्रक्ट करना है। सो वी रीड फॉर प्लेयर, वी रीड फॉर इंफॉर्मेशन एंड वी रीड टू परफॉर्म अ टास्क। तो रीडिंग जो है ये हमारी हेल्प करती है इन ऑर्डर टू बिकम इंटरेस्टिंग पीपल, रीडिंग हेल्प अस लर्न हाउ टू राइट करेक्टली, ठीक है, क्योंकि रूल जो है वो लैंग्वेज का ये है कि आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करते हैं उतनी आपकी राइटिंग अच्छी होती है। रीडिंग डिवेल्प्स अवर इमेजिनेशन, के ये हमें जो हमारी इमेजिनेशन है उसको रिच करती है। रीडिंग हमें एंटरटेन करती है। रीडिंग टीचेस अस अबाउट अनफेमिलियर थिंग्स। रीडिंग
टेक्स अस टू द प्लेस वी हैव नेवर विजिटेड, ऐसी जगहों पे हमें लेके जाती है जहाँ पर हम कभी नहीं गए। रीडिंग टेक्स अस टू द टाइम्स वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, ऐसे ज़मानों में हमें लेके जाती है कि जिनको हमने नहीं देखा। फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ें तो जाहिर है वो हिस्ट्री पुराने ज़माने की बातें होती हैं, वो वक्त के जिसको हमने नहीं देखा, वो उस वक्त के अंदर हमें लेके जाती हैं। और रीडिंग हमारा तारुफ करवाती है उन लोगों से कि जिन लोगों से कभी ज़िंदगी में हमने मुलाकात नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शेक्सपियर के प्लेज़ पढ़ें तो उसमें बादशाहों का जिक्र है, हेनरी का जिक्र है, उसमें हेमलेट है, ठीक है, उसमें किंग लियर है। नाउ दीज आर द पीपल वी हैव नेवर मेट, लेकिन जब हम उन उसके ड्रामे पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें पता लगता है कि ये ऐसे लोग हैं कि जो कि जिनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। सो रीडिंग इंट्रोड्यूसेस अस टू न्यू आइडियाज़, और नए नए आइडियाज़, नए नए ख्याल जो हैं वो हमारे जहन में डिवेल्प होते हैं विद द हेल्प ऑफ द रीडिंग। तो ये रीडिंग के वेरियस फंक्शंस हैं जो कि वो परफॉर्म करती है जी। अब हमें जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट हमारे सामने लिखी गई हैं, और हमसे पूछा गया कि इस जो टेक्स्ट है इसको पढ़ने का फंक्शन क्या होता है। ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट पढ़ते हैं, हम प्लेयर के लिए पढ़ते हैं, और हम कोई चीज़ सीखने के लिए या टू परफॉर्म अ टास्क वी रीड अ टेक्स्ट, ठीक है। तो साइन बोर्ड्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं टू फॉलो वे द रोड्स लीड टू, ठीक है। नोटिसेस जो होते हैं इसी तरीके से, अब हमें बताना है कि व्हाट डज द नोटिस मीन, तो द नोटिसेस जो हैं दे इन्फॉर्म अस अबाउट पॉलिसीज और इंटीमेशंस, ठीक है। इदारों के अंदर जो नोटिस लगाए जाते हैं उनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शन जो लिखी जाती हैं उसका क्या फंक्शन होता है, दे हेल्प अस टू परफॉर्म अ टास्क, के कोई काम जो है हमने करना होता है तो इंस्ट्रक्शंस वाली बुक जो है वो हमारी हेल्प करती है। न्यूज़पेपर रीडिंग का क्या मकसद होता है, टू गेट इंफॉर्मेशन, कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं रोज़मर्रा के हालात के बारे में, तो इस वजह से हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसी तरह एडवर्टीजमेंट्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हम पढ़ते हैं टू गेट आइडिया अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, के जो भी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं उनके बारे में हम जो है वो एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। रेसिपीज़ जो हैं वो हमें बताती हैं हाउ टू कुक समथिंग, कि किस तरीके से कोई चीज़ जो है वो पकाई जा सकती है, वो चीज़ जो है वो रेसिपी के अंदर अवेलेबल होती है, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है तो इट इज़ अबाउट हाउ टू क्योर मेडिसिन, के अ डिज़ीज़ के अगर कोई बीमारी आपको लगी हुई है, ठीक है, तो उसका इलाज कैसे करना है वो डॉक्टर की मेडिसिन बताती है। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो होते हैं उनका क्या मकसद होता है, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। यूज़र मैनुअल जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि हाउ टू ऑपरेट समथिंग, के कैसे कोई नई चीज़ है उसको आपने कैसे ऑपरेट करना है, यानी कि कैसे चलाना है, ठीक है। इसी तरह लेटर्स हैं, लेटर्स जो हैं दे इन्फॉर्म अस अबाउट अवर डियर वंस, यानी कि जो हमारे अजीज़ हैं उनके बारे में हमें लेटर से इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टाइप के टेक्स्ट हैं, इनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो कि मैंने आपके सामने लिखे हैं। नाउ देयर इज एक्सरसाइज नंबर 12, इट सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गेस वेयर यू वुड फाइंड दीज एंड व्हाट पर्पसेस डू ईच स्टेटमेंट सर्व। वॉश विद सिमिलर कलर एट 40, तो ये आपको यूजर मैनुअल में मिलेगा, ठीक है, सॉरी ये आपको इंस्ट्रक्शंस में मिलेगा। जब आप कोई नया कपड़ा खरीदते हैं तो उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये उसमें लिखा होगा। नो पार्किंग जो है इट इज़ साइन बोर्ड, ठीक है, साइन बोर्ड लगा होता है। गॉन टू लंच बैक इन 20, ठीक है, इट इज़ अ नोटिस, जब कोई शख्स अपनी सीट से उठ के जाता है, ठीक है, तो वो अपनी ये चेयर पे लिख के जाता है कि मैं इधर हूँ तो मैं इतनी देर तक आ जाऊँगा। डियर सर मैडम आई एम राइटिंग, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लेटर, ये लेटर है, ठीक है। और नंबर 5 है ऐड टू एग्स एंड स्टिर अंटिल द मिक्सचर इज स्मूथ, सो इट इज। जो आपकी इंग्लिश 1 थी बेटा उसमें आपने पढ़ा था स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है।
तो अब जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक सादिकैन के हवाले से, और ये एक्सरसाइज बेस करती है स्किमिंग एंड स्कैनिंग पे। लेकिन जो आपका ये सिलेबस है, इसमें बाज़ का ऐसा होता है कि स्किमिंग होती क्या है, स्कैनिंग होती क्या है, इसके हवाले से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो कंप्लीट उसका दोबारा से रिवीजन हम करते हैं कि स्किमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, और इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, इसकी मतलब के डेफिनेशंस क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और उसकी चंद एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करेंगे। तो ये सादिकैन वाली जो एक्सरसाइजेस है ये आपके पास किताब पे मौजूद है। आप जब इसको पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद, आप फारिग टाइम में उस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्किमिंग का अगर आप थोड़ा सा एक आइडिया लेना चाहें, तो स्किम आपको पता है कि दूध को स्किम किया जाता है उसकी मलाई लेने के लिए, मलाई को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो स्किमिंग जो है वो रीडिंग में इस किस्म की एक्टिविटी है कि जिसमें जो वर्ड्स हैं उनकी भलाई आप हासिल करते हैं, ठीक है। तो स्किमिंग में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसकी जो इसका पर्पस होता है, ये जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि व्हाई डू वी स्किम, उसको हम देखेंगे, फिर हम इसकी टाइप्स को देखेंगे, और फिर हाउ टू स्किम, स्किमिंग की कैसे जाती है रीडिंग में, इन सारी चीज़ों पे हम नज़र दौड़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक एट डेफिनेशन ऑफ स्किमिंग। स्किमिंग मीन्स रीडिंग सिलेक्टिवली टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट एन आर्टिकल इज अबाउट एंड टू बिकम फेमिलियर विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज इन इट। कि स्किमिंग एक इस टाइप की रीडिंग का नाम है, एक रीडिंग की टाइप है, एक ऐसी रीडिंग की जिसमें हम टेक्स्ट का जनरल आइडिया लेने के लिए हम उस पे नज़र दौड़ाते हैं, ठीक है। तो ये स्किमिंग कहलाती है, ठीक है। स्किम करना दूध का मतलब कि मलाई लेना। तो जैसे दूध की मलाई जो होती है वो उसका मेन आइडिया या जो उसका मेन जिस्ट होता है, जो उसकी रूह होती है, उसकी मलाई होती है, बिल्कुल ऐसे ही जो टेक्स्ट है, एक पीस ऑफ आर्टिकल अगर आपके सामने लिखा है तो उसको आप इस अंदाज से देखते हैं, इस एंगल से पढ़ते हैं कि आपको उसका एक मेन आइडिया, ओवरऑल जो आइडिया है वो उसका हासिल हो जाता है, ठीक है। तो स्किमिंग करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले कंप्रिहेंशन लेवल की है कि आपका कंप्रिहेंशन लेवल 50 to 70% होना चाहिए। कि जाहिर कंप्रिहेंशन से मुराद क्या होती है, कि चीज़ों को समझना। कि आप स्किमिंग उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आपकी इंग्लिश की कंप्रिहेंशन नहीं है, ठीक है। तो कंप्रिहेंशन लेवल 50 से 70% के बीच में होना चाहिए, और जो स्पीड है वाइल स्किमिंग वो स्पीड मतलब के डबल होती है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल रीडिंग। नॉर्मल रीडिंग जो होती है उसमें हम एक एक लफ्ज़ पे हमारा फोकस होता है ना, स्किमिंग जो होती है इसमें एक एक लफ्ज़ पे हमारा फोकस नहीं होता, रादर हम एक जनरल आइडिया हासिल करने के लिए उसको टेक्स्ट को उसमें नज़र दौड़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो स्किमिंग जो है उसके कुछ पर्पजेज होते हैं, कुछ उसके मकासद होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मकसद है स्किमिंग का वो ये होता है कि वही स्किम अ न्यूज़पेपर। देखना जब कभी भी हमारे पास न्यूज़पेपर आता है तो हम कोई 1-2 मिनट में पूरे न्यूज़पेपर को खंगाल के वापस रख देते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी स्किमिंग कहलाती है। अब इसमें होता क्या है कि हम हेडलाइंस पे नज़र दौड़ाते हैं, एक हेडलाइन, दूसरी हेडलाइन, तीसरी हेडलाइन, ठीक है जी, मेन पेज हमने सारा देख लिया, उसके बाद हम उसके बैक पेज पे जाते हैं, फिर बाकी जितने पेजेस होते हैं वहाँ पे हम नज़र दौड़ाते हैं कि कोई हमें इमेज नज़र आ रहा है, कोई हमें तस्वीर नज़र आ रही है, या कोई चीज़ हाईलाइटेड है, या कोई चीज़ बड़ी लिखी है, तो उस पर हम अपनी नज़र रोकते हैं, हाईलाइट्स वगैरह हम देख लेते हैं, और हमें आइडिया हो जाता है कि अखबार के अंदर जो है वो क्या चीज़ लिखी है। तो सबसे ज़्यादा स्किमिंग एक्टिविटी जो होती है वो न्यूज़पेपर के ऊपर परफॉर्म की जाती है, कि उसमें से हम एक मेन आइडिया हासिल कर लेते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड टुडे, ठीक है। इसके अलावा स्किम अ बुक टू सी इफ इट हैज इंफॉर्मेशन ऑफ योर इंटरेस्ट और नॉट। कि जो दूसरे एंगल से जब हम स्किमिंग करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम उस किताब को इस एंगल से देखते हैं कि ये जो किताब है इसके अंदर हमारी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है या कि डिजायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जाहिर है हर एक शख्स जो है वो हर किताब तो नहीं पढ़ सकता ना, उस शख्स के कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ उसके मकासिद होते हैं, ठीक है। तो वो अपने मकासिद को ही तो उस किताब में ढूंढेगा, कि अगर उसके मतलब की चीज़ उस किताब में है तो वो किताब कंप्लीटली पढ़ेगा, अगर मतलब की चीज़ नहीं है तो वो किताब को कंप्लीटली नहीं पढ़ेगा। तो स्किम करने से हमें पता चल जाता है कि ये किताब जो है ये हमारे मतलब की है या हमारे मतलब की नहीं है। इसके अलावा वी
स्किम टू गेट जिस्ट ऑफ द बुक ऑफ अ पेपर ऑफ और एन आर्टिकल, ठीक है, कि किताब का एक पेपर यानी कि जो छापा जाता है, रिसर्च पेपर की बात हो रही है या फिर एक न्यूज़ आर्टिकल या फिर रिसर्च आर्टिकल जो है उसकी जिस्ट या फिर उसका मेन आइडिया जो है उसको हासिल करने के लिए भी हम स्किमिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हाउ टू स्किम, कि स्किम करने के प्रोसेस क्या हैं, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं जो कि हेल्पफुल साबित होते हैं स्किमिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द टाइटल, कि जाहिर है जब हमने हाउ टू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ द बुक्स पढ़ा था तो हमें हमने सबसे पहले फोकस किया था टाइटल पे ना, ठीक है। तो टाइटल किसी भी चीज़ का जो है वो आपको एक सिग्नल दे देता है कि इस किताब के अंदर कौन सी एक्टिविटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद रीड द इंट्रोडक्शन, कि जो इंट्रोडक्शन होता है किताब का या जो आर्टिकल का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है या जो इंट्रोडक्टरी लाइन है उसकी रीडिंग दें। रीड एनी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, इसके बाद जो नेक्स्ट फोकस आपका होना चाहिए वो हेडिंग्स पे और उनकी सब हेडिंग्स पे होना चाहिए। नोटिस एनी पिक्चर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स इंक्लूडेड, यू हैव टू लुक फॉर एनी पिक्चर्स, के जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अखबार में देखते हैं कि कोई पिक्चर है या नहीं है, और इसके अलावा कोई चार्ट्स हैं या नहीं है या कोई ग्राफ्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस पढ़ें। तो हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद पैराग्राफ पे नजर दौड़ाएं कि उसमें आपको कोई नंबर्स वगैरह या कोई इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है या कि नजर नहीं आ रही, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू रीड द समरी ऑफ द लास्ट पैराग्राफ, के जो आखिरी पैराग्राफ है वो हमेशा समरी होता है, ठीक है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, तो उसको जरा कंप्लीटली पढ़ लें तो फिर आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर क्या बातें की गई हैं, ठीक है। स्किमिंग, इसके लिए चंद पॉइंट्स के जो कि हमें ख्याल रखना चाहिए जिनका, कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन आइडिया एंड कीप हाई स्पीड, के मेन आइडिया पे फोकस आपका होना चाहिए कि मेन आइडिया क्या है इस टेक्स्ट का, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस आपका नहीं होना चाहिए। डू नॉट रीड एवरी वर्ड ऑफ द मटेरियल, के हर लफ्ज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पे अटेंशन टू द की वर्ड एंड सिग्नल्स, की वर्ड्स क्या होते हैं कि जिनका टाइटल के साथ रिलेशन होता है उन पे फोकस करना है। सिग्नल वर्ड्स होते हैं आपको पता है ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं, फर्स्ट सेकेंड लास्ट, ये सिग्नल वर्ड कहलाते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हम नया आर्गूमेंट शुरू हो रहा है, ठीक है। कैच और समराइज द टॉपिक सेंटेंस, के जो टॉपिक सेंटेंस है उसका खुलासा निकालने की कोशिश करें, उसका मतलब समझने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो स्किमिंग जो है जब आप करते हैं किसी टेक्स्ट की तो ये तवक्को ना रखें कि जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके अंदर दिए गए हैं, जितनी डिटेल्स दी गई हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके जहन में रह जाएंगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने ज़रा एक तो डबल स्पीड से पढ़ा है, दूसरा ये कि आपने उसको कम्प्लीटली पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये तवक्को रखें कि जो आप रीडिंग करने जा रहे हैं उसका कम्प्रीहेंशन रेट 50% होगा, यानी कि 50% बातों की आपको समझ आएगी और 50% बातों की आपको समझ नहीं आएगी। वाई? बिकॉज यू आर डूइंग द स्पीड रीडिंग, कि आपकी स्पीड ज़्यादा है उसमें, ठीक है। यूज ओनली वेन रीडिंग फॉर जनरल कॉन्सेप्ट, और स्किमिंग का इस्तेमाल उसी वक्त करें जब आप जनरल कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कि एक ऐसी चीज़ जो कि एकेडेमिक नेचर की नहीं है, जिसका ताल्लुक आपकी पढ़ाई से नहीं है, ठीक है। मतलब कि जनरल यू आर डूइंग रीडिंग फॉर फन, या जनरल कोई आप अखबार पढ़ रहे हैं, कोई जनरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप स्किमिंग की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्कैनिंग, वी विल लुक एट द डेफिनेशन ऑफ स्कैनिंग, वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू स्कैन, ठीक है। तो स्किमिंग का मकसद क्या होता है, स्किमिंग का तो मकसद होता है जो हमने पढ़ा कि एक ओवरऑल आइडिया लेना कि पूरे टेक्स्ट के अंदर क्या बात की गई है। स्कैनिंग इससे टोटली डिफरेंट है। स्कैनिंग इन रीडिंग इज अ टेक्निक फॉर क्विकली लुकिंग थ्रू द रीडिंग मटेरियल टू लोकेट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ फैक्ट, अ डेट, अ नेम और अ स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। स्कैनिंग वो टेक्निक है कि जिसको हम यूज करते हैं पूरी टेक्स्ट से कोई खास इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, कि फॉर एग्जांपल जब कभी भी हमारे जहन में कोई मतलब अगर हमने एक मजमून पढ़ा है कायदे आजम पे, तो उसके नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन कि कायदे आजम कब पैदा हुए, ठीक है। तो अब हम वापस टेक्स्ट में जाएंगे और हम डेट ढूंढेंगे कि डेट कहाँ पे लिखी है, जो डेट लिखी होगी वो यकीनन कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ होगी। तो ये जो काम है ये
स्कैनिंग कहलाता है कि एक खास चीज को जेहन में रख के तो पूरी टेक्स्ट पे नजर दौड़ाना और वो इंफॉर्मेशन ढूंढना, ठीक है। स्कैनिंग इसके अलावा वो टेक्निक, इससे तो आप फेमिलियर होंगे कि जब कभी भी हम डिक्शनरी में कोई लफ्ज ढूंढ रहे होते हैं उसका मतलब, तो वो स्कैनिंग होता है, क्योंकि जाहिर है हमें पता है कि ये इंफॉर्मेशन अगर स्कैनिंग की ही हम डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं डिक्शनरी में, तो एस है, एस के बाद एस सी आएगा, फिर जब वो वर्ड जहां पर हमें नजर आएगा वहां पे हमारी नजर रुक जाएगी, तो वो इंफॉर्मेशन जो कि मतलूबा इंफॉर्मेशन है वो वहां पे मौजूद है, बाकी पूरी डिक्शनरी में लाखों वर्ड्स होंगे हम उनको इग्नोर कर देंगे, वी आर लुकिंग फॉर वन थिंग, ठीक है। तो एक चीज, एक इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी टेक्स्ट की रीडिंग करना जो है वो स्कैनिंग कहलाता है। तो जो डिफरेंस है स्किमिंग और स्कैनिंग का, डिफरेंस ये है कि स्किमिंग जब हम करते हैं तो वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि जिस टेक्स्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं इस टेक्स्ट का उनवान क्या है, इसका थीम क्या है, इसके अंदर क्या डिस्कशन की गई है, ठीक है। तो स्किमिंग करने का मकसद ये होता है कि टेक्स्ट के बारे में जानकारी हासिल करना, कि हम जानना चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ बयान की गई है। स्कैनिंग ऑन दी अदर हैंड एक ऐसे टेक्स्ट की जाती है जिससे हम ऑलरेडी वाकफियत रखते हैं, जिसके बारे में हमारे जहन में ऑलरेडी आइडिया है कि इसके अंदर क्या मटीरियल होगा, क्योंकि हम एक खास इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं ना। तो जाहिर है खास इंफॉर्मेशन हम एक पीस ऑफ पेपर में से उसी वक्त ढूंढेंगे जब हमें पता होगा कि ये पीस ऑफ पेपर किस उनवान पे लिखा गया है, या जो बातें की गई हैं उनका क्या टॉपिक है डिस्कशन का, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है स्किमिंग में और स्कैनिंग में। दूसरा कि इनका मकसद जो है दोनों का वो डिफरेंट होता है। स्किमिंग का जो ओवरऑल मकसद है या जो उसका पर्पज होता है वो होता है टू गेट द जनरल आइडिया। स्कैनिंग का ऑन द अदर हैंड एक इंफॉर्मेशन की जिसकी हमें ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी कि जी हमें कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ ढूंढनी है, कायदे आजम के बारे में जो ऐसे लिखा है उसमें से, तो हम खाली डेट पे हमारी नज़र जाएगी, ठीक है। या इफ़ वी वांट टू नो के कायदे आजम कहाँ पर पैदा हुए थे, तो हम पूरी उसमें टेक्स्ट में नज़र दौड़ाएंगे कि कहाँ पे शहर का नाम लिखा है। ऑब्वियसली अब जहाँ पे शहर का नाम लिखा होगा तो वो उनकी प्लेस ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। स्किमिंग जो है उसमें जो कंप्रिहेंशन रेट होता है वो 50 to 70% होता है, कि जो भी जितना मटेरियल आप पढ़ते हैं, जितना मटेरियल आपकी नज़रों में से मतलब गुजरता है, तो उसमें से 50 से 70% की आपको समझ आती है, बाकी की आपको समझ नहीं आती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्कैनिंग जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं वो 100% एक्यूरेट होती है, कि उसके अंदर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। जाहिर है अब हम डेट ढूंढ रहे हैं, कायद आजम की डेट ऑफ बर्थ ढूंढ रहे हैं, या फिर हम उनके शहर पैदाइश को ढूंढ रहे हैं, तो वो फिर एक 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है उस पर हमारी नज़र पड़ेगी, ठीक है। अब हाउ टू स्कैन, के स्कैनिंग कैसे की जाती है, तो स्कैनिंग का प्रोसेस जो है इट इन्वॉल्व्स मूविंग योर आईज क्विकली डाउन द पेज सीकिंग स्पेसिफिक वर्ड एंड फ्रेजेस विच यू एक्चुअली नीड। क्या पूरे पेज पे जल्दी से नज़र दौड़ाते हैं और आपको तलाश होती है उन वर्ड्स की, उन फ्रेजेस की, कि जिनकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो स्कैनिंग करते हुए सबसे पहले तो आप जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑर्गेनाइजेशन देखें कि डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। उसके बाद जहन में अपना पर्पज़ रखें कि आपका क्या पर्पज़ है, आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट में किस चीज़ की तलाश है। एंटिसिपेट द क्लू वर्ड्स, कि जिस चीज़ की आपको तलाश है ऑब्वियसली उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपके माइंड में होंगे, ठीक है। तो वो क्लू वर्ड्स जो हैं उनको आप अपने जहन में रखें। आइडेंटिफाई द लाइकली आंसर इक्वेशन लोकेशन, के अगर हम जानना चाहते हैं कि कायदे आजम की डेथ कब हुई तो डेथ डेट जो है वो आखिर पे होगी, बर्थ डेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बर्थ डेट और बर्थ सिटी जो है वो आगाज में होगा, और जब हम जानना चाहते हैं उनके एजुकेशनल कैरियर के बारे में तो वो यकीनन दूसरे तीसरे पैराग्राफ में होगा, ठीक है। उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो यकीनन जो एजुकेशन के बाद वाले पैराग्राफ्स हैं वो उनमें होगा, ठीक है। तो एक एंटिसिपेशन होती है हमारे जहन में कि फला इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में या किस जगह पे हमें मिलेगी, तो वो एंटिसिपेट करें, लोकेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस एरिया के अंदर हमें मिलेगी। यूज अ सिस्टमेटिक पैटर्न, के जो सिस्टमेटिक पैटर्न होता है उसको फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद कंफर्म योर आंसर, के व्हेन यू लोकेट कि वो वर्ड्स या वो फ्रेजेस जिनकी आपको तलाश थी, जब आप उनको खोज निकालते हैं तो फिर वो पूरा सेंटेंस पढ़ के कंफर्म करें कि आया यही वो चीज़ है जिसकी आपको तलाश थी या कि वो ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है।
तो स्कैनिंग प्रोज मटेरियल, कि प्रोज जाहिर है एक लंबा डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको हम कैसे स्कैन कर सकते हैं, जल्दी से नज़र दौड़ाएं, ठीक है, क्लू वर्ड्स ढूंढें, क्लू फ्रेजेस ढूंढें जहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है, पूरे सेंटेंस पूरे पैराग्राफ पे नज़र दौड़ाएं, और वो वर्ड की, जिस वर्ड की आपको तलाश है उस वर्ड को जहन में रखें। जब आप उस वर्ड को जहन में रखेंगे तो ओनली देन यू कैन फाइंड योर आंसर, ठीक है। अब आपकी किताब से एक मैंने एक्टिविटी ली है स्कैनिंग की, ठीक है। तो स्कैनिंग क्या होती है कि हर पैराग्राफ का पहला वर्ड हमने पढ़ना होता है, ठीक है, और उससे हमें टेक्स्ट का, सॉरी, पहला सेंटेंस पढ़ना होता है, क्योंकि पहला सेंटेंस जो होता है किसी भी पैराग्राफ का वो उसका टॉपिक सेंटेंस होता है, और टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो हमें पूरे पैराग्राफ के बारे में बता देता है कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या बातें की गई हैं, ठीक है। तो रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ एंड टेल व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट, कि अब ये पूरा मजमून हमने नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ इसके पहले सेंटेंसेस पढ़ने हैं जो कि हाईलाइटेड है हमारे सामने, ठीक है, और फिर आप खुद ही आपके जहन में ये चीज़ आ जाएगी कि स्किमिंग का कितना फायदा होता है और ये हमें कैसे हेल्प करती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में या फिर चीज़ों का ओवरऑल आइडिया लेने में। तो आए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। व्हाट पर्सनल क्वालिटीज आर डिजायरेबल इन अ टीचर, अब हमें पता चल गया कि टीचर की मतलब के क्वालिटीज के बारे में बात होने जा रही है। दूसरे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, फर्स्ट द टीचर्स पर्सनैलिटी शुड बी प्लेजेंटली लाइव एंड अट्रैक्टिव, ये पहला सेंटेंस हो गया। सेकेंडली, कि वो फर्स्ट से हमें पता चल गया कि ये टीचर की पहली डिजायरेबल मतलब क्वालिटी है, सेकेंडली का वर्ड आ गया तो हमें पता चल गया कि ये दूसरी डिजायरेबल क्वालिटी है, नीचे थर्डली लिखा हुआ है तो हमें पता है कि ये तीसरी डिजायरेबल क्वालिटी है। सेकेंडली, इट इज असेंशियल फॉर अ टीचर टू हैव जेन्युइन सिंपथी, यहाँ तक कि अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि टीचर को सिंपथेटिक होना चाहिए। थर्डली, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर अ टीचर टू बी बोथ इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली ऑनेस्ट, तीसरा सेंटेंस हमने पढ़ लिया। चौथा, अ टीचर मस्ट रिमेन मेंटली अलर्ट। फिफ्थ क्वालिटी जो यहाँ पे मेंशन है वो ये है, ऑन द अदर हैंड अ टीचर मस्ट बी कैपेबल ऑफ इनफाइनाइट पेशेंस, के उसके अंदर हौसला होना चाहिए। फाइनली, अब फाइनली का वर्ड आ गया तो हमें पता चल गया कि ये आखिरी आखिरी मेन बात होनी होने जा रही है। तो फाइनली, आई थिंक अ टीचर शुड हैव द काइंड ऑफ माइंड विच ऑलवेज वॉन्ट्स टू गो ऑन लर्निंग, ऐसा जहन होना चाहिए कि वो हमेशा सीखने की जस्तजू रखे, ठीक है। द आइडियल टीचर टर्न आउट टू बी समवन हु वाज एंथुजियास्टिक अबाउट अ सब्जेक्ट, अ गुड क्लियर कम्युनिकेटर हु इनकरेजेस डिस्कशन, द आइडियल टीचर वाज एबल टू डेवलप स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट एंड इंडिपेंडेंस। अब ये खुलासा है पूरे मजमून का, आखिरी पैराग्राफ जो होता है वो खुलासा होता है, और ऊपर हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो आपको उस पैराग्राफ का मेन आइडिया हो जाता है। तो ये स्किमिंग है कि हमें पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ना, हमें पूरे टेक्स्ट को पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन हमें एक ओवरऑल आइडिया होगा कि पूरे मजमून में क्या बात की जा रही है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर स्किमिंग एंड स्कैनिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।